देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। निजी विद्यालय प्रबंधन संघ बेमेतरा के द्वारा आज निजी विद्यालय विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में 9 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आज बेमेतरा जिले में निजी स्कूल प्रबंधन संघ के सदस्य जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान से मुलाकात कर 9 बिंदुओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि प्रदेश के निजी विद्यालय गंभीर संकट में हैं। इस पूरे दौर में लगभग 500 से 700 निजी स्कूल बंद हैं, जिससे 2 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपसे विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंप रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सीएम नाम सौंपा ज्ञापन में मांग की है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है, जिसके मद्देनजर 1 जुलाई से स्कूल खोलकर ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ करने निर्देशित करें। कोरोना काल में भी निजी स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं ली गई हैं, जिसके बाद भी 40% पालकों द्वारा फीस का भुगतान नहीं किया गया, जिसे दिलाने पत्र लिखने की मांग की गई। बीते वर्ष की RTE राशि का भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। 15 महीने से स्कूल बंद है, जब तक स्कूल बस प्रारंभ ना हो जाए तब तक सभी स्कूल बसों का रोड टैक्स माफ करने एवं बसों की पात्रता अवधि में 2 वर्ष का इजाफा करने की मांग की है। स्कूल बंद होने की अवधि तक बसों के किश्त स्थगित करने की मांग की गई है। सर, हम बेमेतरा निजी विद्यालय जो संघ है उन सारे स्कूल की तरफ से आए हैं। पूरे यहाँ लगभग 162 प्राइवेट स्कूल हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कोरोना काल से सारे स्कूल लगातार बंद हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जो आ रही निजी विद्यालयों को, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। कुछ मुद्दों में उन्होंने आश्वासन दिए, इस तरह कुछ नए मुद्दे हैं जिनको लेकर सारे निजी स्कूल परेशान हैं, उसको लेकर हम आए थे। एक तो जैसे देख रहे हैं कि सारी जगह हर चीज़ अनलॉक होते जा रही है, हमारा निवेदन था कि हम सारे निजी विद्यालय स्कूल वाले जितने निजी स्कूल हैं, हम चाहते हैं कि स्कूल खोलने का परमिशन सरकार दें। सारे निजी स्कूल वाले जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसे पूरी तरह पालन करके स्कूल संचालित करेंगे। दूसरा एक आवश्यक मुद्दा था, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल को जिस तरीके से छूट दी गई, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया गया, उसी तरीके से हमें भी प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए, और वहाँ का जो बिजली बिल है आवासी में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल का किया गया, उसी तरीके से निजी विद्यालय के भी बिजली बिल को आवासी में परिवर्तित किया जाए। इस तरीके से कुछ मुद्दे हमारे हैं। RTE की राशि हमारी जो बची हुई 2020-21 की, उसे जारी करने का, और सरकार का एक ने जो निर्णय दिया है कि बिना TC के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, इससे निजी स्कूल को बहुत परेशानी हो रही है। निजी स्कूल वाले अपने टीचर को फीस तक भी नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे निजी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो बिना फीस पटाया, बिना TC लिए जाके बहुत से अदर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि बिना TC का जो सरकार का नियम है, सरकार अपने नियम को क्यों तोड़ रही है, तो बिना TC के किसी भी स्कूल में प्रवेश ना दिया जाए। ये हमारे कुछ मांगे हैं, इस मांगों को लेकर हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमारा ज्ञापन सौंपा है, और इसे हम जिला शिक्षा अधिकारी और विधायक महोदय को भी सौंपेंगे। लेके आए थे अभी सर, हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले, लेकिन संक्रमण की वजह से स्कूल चूँकि खुल नहीं पा रहा है, तो जो बसों का लोड हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, कोई भी पेरेंट्स फीस पूरा ट्यूशन फीस भी देने रेडी नहीं है, तो बस का किस्त हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए कुछ तो हमको सहयोग करे, और हम लोग जिस तरह पेरेंट्स को भी हम हेल्प कर पाए, क्योंकि पेरेंट्स के यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है, तो वो लोग ट्यूशन फीस भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में तो बस के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा मैं चाहती हूँ। क्या सोच लेके आए थे, बस का आखिर बस ही का बात क्यों है? एक्चुअल में सर, मेरिटोरियम का अवधि बढ़ा देना चाहिए, और गाड़ियों को खींचने की जो नौबत आ गई है उससे एक स्कूल का इमेज भी डेंट हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जब तक गवर्नमेंट इसके लिए पहल नहीं करेगी, फाइनेंसर कभी हमको हेल्प नहीं करेंगे, उनका अपना अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि